सो गाइस देखिए ये हमारा कोफ्ता हो गया तैयार। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए गाइस, तो ये देखिए हमने कटहल उबाल के रख लिया है और हम इसका बनाएंगे कोफ्ता। सो गाइस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। सो गाइस देखें यहाँ पे मम्मी ने प्याज काट लिया, अब इसमें काटेंगे अदरक। सो गाइस देखें यहाँ पे हमने प्याज काट लिया है। ये प्याज हमने काटा है उसके लिए जो हम कचड़ी बनाएंगे, और ये प्याज हमने सब्जी के लिए काटा है देखिए। और इधर हमने काटा है थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी ग्रीन मिर्ची, और ये काटा है मैंने अदरक और लहसुन दोनों है इसमें। और गाइस देखिए ये हमने बैटर अब तैयार करेंगे हम इन सबको। अब इसमें हम मिक्स करेंगे, फिर हम आपको देखिए मिक्स करके फिर कैसे दिखाते हैं। सो गाइस देखिए इसमें हम कटहल को मिक्स कर रहे हैं, ये देखिए। कटहल जो हमने उबाला था उसमें सारा हमारा पानी हो गया है। सो गाइस देखिए बेसन डाल, सो हम इसको पानी अब्सॉर्ब करने के लिए इसमें हम बेसन डालेंगे। हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस। तो गाइस देखिए धीरे धीरे हमारा पूरा कटहल इसके अंदर मिक्स हो रहा है। और गाइस बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। सो आप भी ट्राई कीजिएगा गाइस, कटहल का कोफ्ता बहुत ही टेस्टी बनता है गाइस। सो गाइस देखिए अब थोड़ा सा कटहल बचा हमारे पास, ये देखिए इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसमें। और ये सारा कटहल आ गया इसके अंदर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छे से, ये देखिए। सो गाइस अब हम डालेंगे इसके अंदर बेसन, ये देखिए। इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर डालेंगे नमक। ये देखिए स्वाद अनुसार और इसके अंदर अब डालेंगे हम हल्दी। अब इसको कर लेंगे मिक्स। और इसको हम घी के कोफ्ते ऐसे भी खा सकते हैं और हम इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। सो गाइस मैं इसकी सब्जी भी बनाऊंगी, तो अभी आपको दिखाएंगे हम सब्जी भी बनाते हैं इसकी। ये देखिए अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। बना ले। सो गाइस देखिए ये हो रहा हमारा मिक्स। थोड़ा सा हल्दी और इसमें थोड़ा सा हल्दी और डालेंगे हम।
देखिए, और मम्मा डाल रही है तेल में, ये देखिए कोफ्ते बना के, ये देखिए। अगर घुमा लो तो गाइस देखिए, यहाँ पे हमारा फ्राई हो रहा है अब कोफ्ते। सो गाइस देखिए, तेल हमने कम डाला है ताकि जो हमारा तेल है वेस्ट ना जाए और उसमें हमारा थोड़ा सा बच भी जाए तो सब्जी बना लें हम। तो गाइस देखिए, ये हमारा कोफ्ता हो गया तैयार, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, हम इसमें दूसरा डालेंगे। सो गाइस देखिए, मम्मी ने डाल दिया है, अब इसको पलटेंगे। और ये रहा हमारा पहले वाला, ये देखिए गाइस। सो गाइस देखिए, ये मसाला हमने फ्राई कर रहे हैं सब्जी बनाने के लिए। गाइस देखिए, इसमें हमने डाला है प्याज, लाल मिर्च, जीरा, और हमने मसाला डाल दिया, हमने जो मसाला पीसा था। और उसके बाद हमने इसमें डाला नमक, हल्दी, ये सब, और मसाला में जो हमने पीसा है गोल मिर्च, लहसुन, अदरक, और क्या डाला है, लाल मिर्च डाल दिया है, धनिया डाला है, सूखा धनिया, तेजपत्ता डाला है, सब्जी का मसाला तैयार हो रहा है हमारा ये गाइस। तो गाइस देखिए, मसाला हमारा रेडी हो रहा है। दूर का खाना लगा दूर में लगा। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो गाइस देखिए, मसाला में हमारा तेल छोड़ चुका, अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। तो गाइस देखिए, टमाटर हमारा पूरा मिक्स हो चुका है, ये देखिए।
सो गाइस देखिए इसमें हमने अब पानी डाल दिया है। सो गाइज अब हमारे जैसे पानी में बॉईल आएगा वैसे हम ये कोफ्ते डाल देंगे उसके अंदर। सो पानी में बॉईल आने का वेट। सो गाइज देखिए पानी में बॉईल आ गया, अब हम कोफ्ते डाल देंगे। ये देखिए और अब हम कोफ्ते को अच्छे से इस पर डिप कर देंगे और इसे अब हम थोड़ा 5-10 मिनट तक इसे ढक देते हैं हम।